नमस्कार दोस्तों, केएल राहुल ने शादी के लिए बीच में छोड़ दिया वेस्टइंडीज दौरा, इसलिए केएल राहुल हुए वनडे सीरीज से बाहर। तो क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों इससे पहले, अगर आप भी केएल राहुल को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत और वेस्टइंडीज के बीच कल से 3 वनडे मैचों की श्रृंखला शुरू होने वाली है। ऐसे में यह सभी मुकाबले अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाएंगे। लेकिन इस मुकाबले से पहले टीम इंडिया के 8 खिलाड़ियों को कोरोना हो चुका है, जिसकी वजह से टीम इंडिया के सभी ओपनर बल्लेबाज वनडे सीरीज से बाहर हो चुके हैं। वहीं केएल राहुल ने भी बीसीसीआई से पहले वनडे मुकाबले से छुट्टी की मांग की है। ऐसे में बीसीसीआई ने केएल राहुल को पहले वनडे में छुट्टी दे दी, लेकिन इससे पहले केएल राहुल की छुट्टी लेने की वजह सामने नहीं आई थी। लेकिन अब खबरें सामने आई हैं कि केएल राहुल ने पहले वनडे मुकाबले से इसीलिए छुट्टी ली है क्योंकि 6 फरवरी यानी कि कल, जिस दिन भारत और वेस्टइंडीज़ का पहला मुकाबला खेला जाएगा, उस दिन केएल राहुल की बहन भावना केएल की शादी होने वाली है। तो ऐसे में केएल राहुल का वहाँ होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए केएल राहुल ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ होने वाले पहले वनडे मुकाबले से बीसीसीआई से छुट्टी की मांग की है। पहले वनडे मुकाबले के बाद केएल राहुल पूरा वेस्टइंडीज़ दौरा खेलने वाले हैं और अब देखना होगा केएल राहुल अपनी बहन भावना की शादी के बाद आथिया शेट्टी के साथ कब शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसी ही क्रिकेट की ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।